brought to you by ITIL P55 series. ज्ञानवापी फैसले और योगी के काशी मथुरा वाले बयान के बाद बरेली में बवाल मच गया। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था, लेकिन उनके विवादित भाषण के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। शुरू में हल्का फुल्का बयानबाजी हुई और उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि पथराव तक पहुंच गया। पुलिस ये दावा करती रही कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन असली तस्वीरें क्या हैं ये एक बार आप खुद ही देख लीजिए। सदन में कि अभी काशी और मथुरा बाकी है, उसके बाद लगातार यहाँ तो थोड़ी स्थिति तनावपूर्ण थी, क्योंकि मौलाना तौकीर राजा ने ऐलान कर दिया था कि वो जुम्मे के नमाज के बाद प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ये श्यामतगंज एरिया है जहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई है और भीड़ ने अभी यहाँ पथराव किया है, जिसको लेकर भारी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात हुई है। RAF आ गई है, QRT की टीम्स आ गई हैं, पुलिस बल यहाँ मौजूद है। उसके बाद ये जो भीड़ है वो छितर बितर हुई, लगातार इस तरीके की चीजें चल रही हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था। आरोपों की माने तो IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने सामूहिक गिरफ्तारी और जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था। जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने की बात कही थी, जिसके चलते हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। दावों के मुताबिक इसको लेकर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। फिलहाल पुलिस तौकीर रजा और उसके समर्थकों को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन समर्थक बैरिकेड गिराकर आगे बढ़ गए हैं। हालात तनावपूर्ण हैं। ज्ञानवापी केस में आए फैसले के विरोध में 9 फरवरी को तौकीर रजा समर्थकों के साथ जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान छुटपुट पथराव की घटना भी सामने आई है। इस मामले को लेकर बरेली के DM का कहना है कि नमाज के बाद मौलानाओं ने अपनी बात रखी और इसके बाद सब घर जाने लगे। पथराव के सवाल पर DM का कहना था कि ये मामूली विवाद है, जिसके बाद कुछ लोग घायल हुए हैं और इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। DM साहब, ये जानना चाहेंगे कि आज प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ, क्या गिरफ्तारी हुई, और दूसरा ये जो पथराव हुआ है ये क्या घटना थी? देखिए, कुछ लोग जा रहे थे और उनको मामूली सी चोट आई है, इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस अपना काम कर रही है, FIR दर्ज करके आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार करना पड़ेगा, उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। इसका उससे मेरे ख्याल से तो कुछ लेना देना नहीं है। और प्रदर्शन क्या, लोग आए, नमाज पढ़े, थोड़ी सी भीड़ जमा हुई, फिर प्रशासन द्वारा अपील किया गया कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, तो लोग घर चले गए। क्या गिरफ्तारियां हुई थी, जैसे कि ऐलान हुआ? गिरफ्तारी की जरूरत थी, आप लोग मौके पर थे, लोग आए, नमाज पढ़े, भीड़ जमा हुई, मौलाना साहब ने प्रेस ब्रीफ किया, फिर सब लोग अपने घर चले गए। अच्छा, जो पथराव हुआ है इसमें कितने लोग घायल हुए हैं, क्या इसकी पथराव क्या? आप देखिए, मौके से हम लोग जाके आए, मौका पे बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवस्था है और 2-3 लोगों को चोटें आई हैं। कोई ऐसा प्लान पथराव तो मौके पर तो ऐसा कुछ प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं हुआ, बट फिर भी इसमें हम लोग FIR दर्ज करके जो भी आवश्यकता अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, UP तक।